नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल की कोडिंग। तो मैंने विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया, इसके अंदर अपने को क्या करना है, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद विंडोज फॉर्म्स ऐप सेलेक्ट करना है, इसका नाम देना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। अब ये फॉर्म आ गया। अपन सबसे सिंपल कर रहे हैं पहला कोडिंग वाला पार्ट। एक बटन लिया मैंने और उसको ड्रॉ कर दिया है, बटन वन आ गया। अब प्रॉपर्टीज विंडो में जाके मैंने इसका नेम क्या कर दिया, btn शो, और एंटर प्रेस किया। अब इसके ऊपर शो लिखा हुआ चाहिए तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे अपन और वहां से मैंने शो टाइप कर दिया। वहां पर फॉर्म का साइज मुझे कम करना है तो कॉर्नर से ड्रैग करके मैंने इसका साइज कम कर दिया। तो ये मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसपे एक शो बटन, फॉर्म की टाइटल बार पे क्लिक किया और इसकी बैक कलर प्रॉपर्टी में जाके मैंने बैक कलर चेंज कर दिया जो भी मुझे बैक कलर करना था। तो फॉर्म पे एक बटन है शो और फॉर्म का बैक कलर मैंने सेट किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ टास्क होना चाहिए तो उसके लिए अपने को कोड लिखना पड़ेगा। अब वो कोड क्या होता है वो अपन देखें। शो बटन पे मुझे कोडिंग लिखनी है तो मैं शो बटन पे डबल क्लिक करूंगा। अभी आप यहां देखोगे तो form1.vv आ रहा है यहाँ पे डिजाइन, form1.vv और डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो अब आ गया यहाँ पे form1.vv डिजाइन तो अलग है और सिर्फ form1.vv अलग है। अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है पब्लिक क्लास फॉर्म वन। मैं टूल्स में गया, ऑप्शंस में, और मैंने यहां से फॉन्ट एंड कलर में जाके फॉन्ट चेंज कर दिया। अब आप सबको क्लियरली विजिबल होगा पब्लिक क्लास फॉर्म वन लिखा हुआ आ रहा है और उसमें लिखा हुआ आ रहा है प्राइवेट सब btn शो अंडरस्कोर क्लिक। तो इसका मतलब btn शो अंडरस्कोर क्लिक नाम का एक प्रोसीजर बन रहा है जिसके दो आर्ग्यूमेंट हैं, पहला सेंडर एज ऑब्जेक्ट, दूसरा ई एज इवेंट आर्क्स। और ये जो प्रोसीजर है ये किसको हैंडल करेगा, btn शो के क्लिक इवेंट। तो हैंडल्स btn शो डॉट क्लिक, मतलब ये वाला प्रोसीजर जो है वो शो बटन के क्लिक को हैंडल कर रहा है। अगर अपन चाहें तो इस प्रोसीजर का नाम कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ पे btn show underscore click की जगह, लेकिन जहां तक हो सके ये जो विजुअल बेसिक ने प्रोवाइड किया है यही आपको यूज करना चाहिए। बाकी इस प्रोसीजर का नाम कुछ भी हो सकता है, बस इसके लास्ट में क्या है कि ये किसको हैंडल कर रहा है ये प्रोसीजर, btn show के क्लिक इवेंट। btn show तो बटन का नाम है और क्लिक इवेंट का नाम। अब अपने को कोडिंग यहां लिखनी। अब ये जो क्लिक है इसके दो आर्ग्यूमेंट, सेंडर और इवेंट आर्ग्स टाइप। एक तो सेंडर है ऑब्जेक्ट टाइप का और एक ई है इवेंट आर्ग्स टाइप। ये भी अभी अपन कुछ दिन बाद समझेंगे कि ये दो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, अभी तो आपको डबल क्लिक करके कोडिंग करनी है। अब इसमें मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने लिखा डिम ए एज स्ट्रिंग, फिर ए में यूजर से इनपुट लिया और फिर मैसेज बॉक्स के थ्रू ए को डिस्प्ले करवा दिया। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया ग्राफिकल का जिसमें एक बटन बनाया गया है और बटन के क्लिक पे कुछ वर्क किया है। अब मुझे इसको रन करना है तो मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यहां ये आपको कंफर्मेशन पूछेगा तो इसमें अलाउ करना है। ये आ गया अपना फॉर्म वन।
रन हुआ और शो बटन है, शो पे क्लिक किया, एंटर योर नेम, मैंने टाइप किया एबीसी, तो नेम इज एबीसी आ गया। फिर मैंने वापस शो पे क्लिक किया, नेम में टाइप किया आर्यन और ओके पे क्लिक किया, तो नेम इज आर्यन आ गया। तो जितनी बार आप बटन पे क्लिक करोगे, उतनी बार बटन के क्लिक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर मुझे इसको क्लोज करना है एप्लीकेशन को, तो मैंने क्लोज बटन पे क्लिक किया, तो वापस से ये विजुअल स्टूडियो में आ गया कंट्रोल पीछे। अब जो मैं आपको फाइल सेंड करूंगा जिसमें प्रोग्राम्स होंगे, उसमें इस तरह से हेडिंग लिखी हुई होगी, फॉर्म विद वन बटन बीटीएन शोज का नाम है, और ये जो अपन ने कोड लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ, बाकी कोड तो अपने आप आता है। तो ये है प्रोग्राम 131 जो अपन ने अभी किया है, जिसमें एक बटन है शो। अब अपनी एप्लीकेशन में ये एक फॉर्म है, फॉर्म वन। अब जब भी अपन कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक से ज्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है तो नई बुक की एंट्री का फॉर्म, बुक इशू करने का फॉर्म, बुक रिटर्न करने का फॉर्म। तो इस तरह से अपन एक एप्लीकेशन में कितने भी फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म आता है एप्लीकेशन के अंदर, form1.vb। अब मुझे दूसरा फॉर्म ऐड करना है, तो प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड विंडोज फॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन, प्रोजेक्ट में ऐड विंडोज फॉर्म, और यहां से विंडोज फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड। यहां पे फॉर्म का नाम देंगे, जैसे कि यहाँ पे form2.vb आ रहा है, और चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिर अपन ऐड पे क्लिक करेंगे, तो ये दूसरा फॉर्म आ गया, आप देख रहे होंगे form2.vb, और सामने कोड भी किसका ओपन हो गया, फॉर्म टू का, डिजाइन भी ओपन हो गया और कोडिंग भी इसी की करेंगे अपन। अब मुझे इस फॉर्म पे भी कंपोनेंट प्लेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक बटन लिया मैंने, उस बटन को मैंने प्लेस कर लिया फॉर्म टू पे, और बटन को प्लेस करने के बाद मुझे इसका नाम देना है, तो इसका नेम दिया मैंने बीटीएन शो, प्रॉपर्टीज विंडो में नेम प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहां टाइप किया बीटीएन शो, ये प्रॉपर्टीज विंडो है। अब मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके प्रॉपर्टीज विंडो में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने शो टाइप कर दिया। फिर मुझे इस बटन का बैक कलर चेंज करना है, तो बैक कलर प्रॉपर्टी में जाके मैंने फॉर्म का बैक कलर चेंज कर दिया, तो अब शो बटन का ये बैक कलर हो गया। अब शो बटन पे मुझे कोड करना है, तो शो बटन पे डबल क्लिक करें, तो अब यहां आ रहा है पब्लिक क्लास फॉर्म टू, और इसके अंदर शो का क्लिक, यहां पर अपन कोड लिखेंगे। तो मैंने यहां पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स वाई और ans। एक्स और वाई में मैंने यूजर से इनपुट लिया 2 इंटीजर्स का, एंटर फर्स्ट इंटीजर, एंटर सेकंड इंटीजर। अगर यूजर ने नंबर्स वैलिड दिए हैं जब तो ठीक है, और अगर यूजर ने कुछ और दिया है नंबर के अलावा, तो मैंने यहाँ वैल लगाया है, तो यूजर नंबर के अलावा कुछ भी देगा तो वैल उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। फिर मैंने एक्स प्लस वाई किया और मैसेज बॉक्स में उसको डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और एप्लीकेशन को रन किया, फिर अलाउ पे क्लिक किया, तो अब आप देखोगे आउटपुट के अंदर, रन करने पर आउटपुट के अंदर फॉर्म वन ही रन होगा। फॉर्म वन क्यों रन होगा वो अपन समझे, आप देखो यहां पे फॉर्म वन रन हो रहा है, शो बटन पे क्लिक करेंगे तो नेम का इनपुट लेगा जो कि फॉर्म वन में था,
और उसको डिस्प्ले करेगा। मैंने बनाया तो फॉर्म टू है लेकिन रन तो फॉर्म वन ही हो रहा है। तो अब मुझे अगर किसी स्पेसिफिक फॉर्म को रन करना हो तो प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको प्रॉपर्टीज दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, इससे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा स्टार्टअप फॉर्म, स्टार्टअप फॉर्म में अभी फॉर्म वन आ रहा है, इसको अपन कर देंगे फॉर्म टू। अब स्टार्टअप फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म टू। अब रन करेंगे तो कौन सा फॉर्म रन होगा, फॉर्म टू, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। शो बटन पे क्लिक किया, दो नंबर्स का इनपुट दिया और इनका सम आ गया। वापस शो बटन पे क्लिक किया, टू दिया और एबीसी दे दिया, तो एबीसी का वैल क्या हो जाएगा, जीरो, और सम क्या आएगा, टू। तो अगर आपने नंबर के अलावा कुछ भी दिया तो वैल उसको अपने आप जीरो में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे नया फॉर्म ऐड करना है, तो प्रोजेक्ट में जाके ऐड विंडोज फॉर्म और फिर ऐड पे क्लिक करें, इससे ये नया फॉर्म ऐड होगा। अब मुझे इस पे दो बटन्स प्लेस कर, अभी देख तो एक बटन था, अब मैंने यहां दो बटन प्लेस, बटन वन और बटन टू। फर्स्ट वाले बटन वन को मैंने सेलेक्ट किया और प्रॉपर्टीज विंडो में इसका नेम दिया मैंने BTN एक्सेप्ट, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया एक्सेप्ट। फिर मैंने सेकंड बटन को सेलेक्ट किया, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया डिस्प्ले, और इसका नाम दिया BTN डिस्प्ले। तो अब दो बटन हो गए, BTN एक्सेप्ट और BTN डिस्प्ले। अब मुझे एक्सेप्ट बटन की कोडिंग करनी है, तो मैं एक्सेप्ट बटन पे डबल क्लिक करूंगा और यहां मैं एक्सेप्ट बटन की कोडिंग करूंगा। अगर मुझे वापस अब डिस्प्ले बटन की कोडिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, पहला तरीका ऊपर आपको यहां दिख रहा है फॉर्म 3.vb और दूसरा फॉर्म 3.vb डिजाइन। तो ऊपर आप वापस फॉर्म 3.vb डिजाइन पे क्लिक कर दो, तो ये डिजाइन ओपन हो गई। अब डिस्प्ले पर डबल क्लिक करो, यहां आप डिस्प्ले की कोडिंग कर सकते हो। तो ऊपर आपको फॉर्म 3.vb भी दिखेगा, फॉर्म 3.vb डिजाइन भी दिखेगा। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो उसका डिजाइनर ओपन हो जाएगा और इसमें अपनी कोडिंग ओपन हो जाएगी। अब यहां मुझे कोडिंग करनी है तो मैंने यहां क्या करा, पब्लिक क्लास के अंदर मैंने सीधे एक डिम एक्स एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो मैंने फॉर्म में डिक्लेयर किया है ना, सीधे पब्लिक क्लास फॉर्म थ्री में, उसको मैं एक्सेप्ट बटन में भी यूज कर सकता हूँ, डिस्प्ले में भी यूज कर सकता हूँ। तो एक्स में मैंने यूजर से इनपुट लिया एक्सेप्ट बटन के क्लिक करने पे, और डिस्प्ले के क्लिक करने पे एक्स को मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो अगर आप चाह रहे हो कि कोई एक वेरिएबल एक से ज्यादा प्रोसीजर्स में काम में आ सके तो उसको सीधे क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दो। अब मुझे इस वाले फॉर्म को रन करना है तो मैं प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करूंगा और लास्ट में आपको दिखेगा विंडोज ऐप 3 प्रॉपर्टीज, उस पर क्लिक करेंगे, यहां आपको स्टार्टअप फॉर्म ऑप्शन दिखेगा, स्टार्टअप फॉर्म में से फॉर्म 3 सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म 3 रन होगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हो फॉर्म 3 रन हो गया, जिसपे दो बटन है एक्सेप्ट और डिस्प्ले। मैंने डायरेक्टली डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया तो एक्स इज जीरो आया, क्योंकि इनपुट लिया ही नहीं है और इंटीजर में बाय डिफॉल्ट जीरो रहता है। अब मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, 100 एंटर किया, अब डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो एक्स इज 100 आएगा। फिर मैंने इस फॉर्म 3 पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दिया तो ये क्लोज हो गया। वापस अपन किस में आ गए, डिजाइनर में। अब डिजाइनर में ऊपर ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ पे आ रहा है फॉर्म 3.vb, फॉर्म 3.vb डिजाइन,
विंडोज एफ 3 ये इसकी प्रॉपर्टीज है, फॉर्म 2.vb डिजाइन, फॉर्म 1.vb डिजाइन। तो अपन यहां से किसी भी फॉर्म पे स्विच हो सकते हैं, और अगर अपने को लगता है कि नहीं अपने को तो फॉर्म 1-2 में काम करना ही नहीं है, तो आप यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करते जाओ तो बाकी के सब क्लोज होते जाएंगे। अब अपने पास दो ही चीजें बची हैं, फॉर्म 3.vb और फॉर्म 3.vb डिजाइन। फिर मुझे वापस लगता है कि फॉर्म 2 पे काम करना है, तो यहाँ राइट साइड में ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो आ रही है, इसमें फॉर्म 2 पे डबल क्लिक कर दो तो ये फॉर्म 2 का डिजाइन ओपन हो गया। फिर मैं शो बटन पे डबल क्लिक करूंगा तो फॉर्म 2 का कोड भी ओपन हो गया। अब मुझे नया फॉर्म ऐड करना है, तो वही प्रोजेक्ट में जाके ऐड विंडोज फॉर्म और ऐड पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस पे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन प्लेस करना है। अब ध्यान से समझना, अभी तक तो अपन सिर्फ बटन कर रहे थे, तो सबसे पहले मैंने लेबल लिए, तीन लेबल लिए, लेबल पे 3 बार डबल क्लिक कर दिया तो 3 लेबल आ गए, ये 3 लेबल आ गए अपने पास में। अब इसके सामने मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करना है, 3 टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स पे 3 बार डबल क्लिक करूंगा टूल बॉक्स में, इससे 3 टेक्स्ट बॉक्स आ गए, इनको मैंने यहां प्लेस कर दिया। फर्स्ट वाले लेबल को मैंने सेलेक्ट किया और इसके टेक्स्ट में जाके दे दिया मैंने नेम। सेकंड वाले को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दे दिया मैंने अपर। थर्ड वाले को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दे दिया मैंने लोअर। इनके नेम नहीं दिए हैं मैंने, इसके सिर्फ मैंने क्या दिए हैं, टेक्स्ट दिए हैं नेम, अपर और लोअर। फिर मैंने इनका फॉन्ट चेंज कर दिया, तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल प्रेस करके और प्रॉपर्टीज विंडो में फॉन्ट चेंज कर दिया। ऐसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस की विड्थ इंक्रीज कर दी, फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट किया और इनका भी फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया फॉन्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करके। तो ये तो गए 3 लेबल और 3 टेक्स्ट बॉक्स। फिर मैंने 2 बटन लिए, दो बार बटन पे डबल क्लिक किया तो बटन 1 और बटन 2 आ गए। बटन 1 और बटन 2 को मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके और इसके फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने। अब मुझे इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ चाहिए, तो फर्स्ट वाले बटन को मैंने सेलेक्ट किया, अभी उस पे बटन 1 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके बटन 1 की जगह शो लिख दिया और उसका नेम कर दिया मैंने btn शो। ऐसे ही मैंने सेकंड बटन को सेलेक्ट किया, इसका नेम दिया मैंने btn क्लियर और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने टाइप कर दिया क्लियर। तो ये मेरा इंटरफेस बन गया। अब इसमें मुझे करना क्या है, शो बटन के क्लिक करने पे जो भी नेम में लिखा है उसका अपर केस और लोअर केस वर्जन नीचे वाले 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाना चाहिए और क्लियर पे क्लिक करते ही सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए। अभी इस फॉर्म के अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, दूसरे का टेक्स्ट बॉक्स 2, तीसरे का टेक्स्ट बॉक्स 3। अब मैंने इसकी कोडिंग करी डबल क्लिक करके, पहले शो बटन पे डबल क्लिक किया फिर क्लियर बटन पे डबल क्लिक किया। शो बटन के क्लिक पे मैंने लिखा dim a as string, तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल a डिक्लेयर हुआ। जो भी यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा है वो मुझे चाहिए, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी से आता है, वो टेक्स्ट एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी है, तो जो भी यूजर ने टाइप किया टेक्स्ट बॉक्स 1 में वो a में आ जाएगा। फिर a.toUpper, स्ट्रिंग का टू अपर फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग का अपर केस वर्जन रिटर्न करता है, उसको मैंने टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट में असाइन कर दिया।
और ए का लोअर केस वर्जन टेक्स्ट बॉक्स 3 के टेक्स्ट में असाइन कर दिया। अब क्लियर बटन के क्लिक करने पे मुझे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना है, तो मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट्स ओपन क्लोज। तो ये मैंने जीरो लेंथ स्ट्रिंग असाइन कर दी खाली करने के लिए। अब मुझे इस फॉर्म को रन करना है। प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप फॉर्म में जाके फॉर्म 4 सेलेक्ट करेंगे, फिर अपन स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे, ये फॉर्म 4 रन हो गया। इसमें मैंने नाम टाइप किया रेनबो, जिसमें रेन लोअर केस में और वो अपर केस में है। फिर शो पे क्लिक किया तो अपर वाले में रेनबो अपर केस में आया, लोअर वाले में रेनबो लोअर केस में आया। फिर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाएंगे। फिर अब मेरा फॉर्म रन हो गया है, इसको मुझे क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब जो मैं आपको फाइल सेंड करूंगा उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा कि ये फॉर्म आपको डिजाइन करना है। टाइटल बार पे उसकी हेडिंग होगी कि वो प्रोग्राम का नंबर और साथ में वो उस प्रोग्राम में अपन क्या कर रहे हैं, और नीचे उसकी कोडिंग होगी। तो इस तरीके से मिलेंगे अब आपको सारे प्रोग्राम्स आगे वाले।